सो आज अभी का बर्थडे है, बट उसे पता नहीं है कि हम लोगों ने उसके लिए कुछ गिफ्ट लिया है। चैनल आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है थर्सडे, आज है 12 अगस्त और आज है अभी का बर्थडे। अभी जस्ट सुबह का टाइम हुआ है और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने मेमोरी के लिए रखना चाहती हूँ कि किस तरीके से हमारा बच्चा जो है बड़ा हो रहा है। और ये बात अगर आप 11 साल पहले पूछते कि आप कितने एक्साइटेड हो, मतलब किस तरीके से आप अपने काम को जल्दी जल्दी फिनिश कर दोगे या तो कुछ करोगे, तो मैं शायद थोड़ा सा टेंशन में रहती। बट अभी काम थोड़ा थोड़ा इजी हो जा रहा है, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और हम लोग भी साथ में बड़े होते जा रहे हैं, लाइक मैच्योर होते जा रहे हैं। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है, धीरे धीरे जो है ये एक्साइटमेंट और बढ़ते जाता। लगता है कि बच्चा कितना बड़ा हो जा रहा है, राइट। ये बात मतलब अभी तो लगता है कि ये करूँ वो करूँ वो करूँ, बट कुछ टाइम पहले जब हमारी मम्मी हम लोग के लिए करती थी, तो लगता था कि मम्मी बिना थके बिना कुछ किए हुए भी इतना कुछ कैसे कर लेती है। बट तब मम्मी बोलती थी कि ये चीज़ तुम तब कर पाओगी जब तुम अपने मम्मी बनोगी। तो एग्जैक्टली हम मम्मियाँ कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को खुश करने के लिए। तो आज इसका बर्थडे है ना, तो हम लोग बस घर पे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके 3-4 फ्रेंड्स हैं जिन्हें हम लोग घर पे बुलाए हैं और पिज़्ज़ा पार्टी वगैरह करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस अभी का 11th बर्थडे है, तो काफ़ी लग रहा है धीरे धीरे बड़े की तरफ जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ती जा रही है। तो वही बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करने का सोचे हैं। सुबह का टाइम है तो सुबह सुबह हम लोग काम निपटाएंगे और अभी को भी आज बर्थडे का सरप्राइज देंगे, क्योंकि उसे लगा था कुछ दिन पहले कि हम लोगों ने उसके लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं खरीदा है। वो बोल रहा था क्या देने वाले, बट हम लोग बोल रहे थे टाइम नहीं निकल रहा है, कुछ ना कुछ खरीद के देंगे, देखते हैं कब तक देंगे, बट देंगे। बट अभी उसको सरप्राइज हम लोग देने वाले हैं, देखते हैं उसे कैसा लगता है। और घर तो ऑलमोस्ट साफ हो गया है। लास्ट डे को अभी ने भी मेरा बहुत हेल्प किया था ये घर वर साफ करने के लिए। तो पीछे के बैनर से आपको पता ही चल रहा है थोड़ा सा सजावट हो चुका है, क्योंकि बड़े हो रहे हैं तो उतना ज़्यादा सजावट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल वो लोग सिंपल में ही खुश हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ हो गया। तो अभी जल्दी से पहले मैं खीर बनाने का प्रिपरेशन कर देती हूँ। हम लोग के बर्थडे में खीर बनता ही है, कुछ बने ना बने खीर ज़रूर बनता ही है। और उसके बाद ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो वही देखते हैं और क्या क्या होता है। जो भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कॉमेंट प्लीज़ कीजिएगा, तभी मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो आज अभी का बर्थडे है, बट उसे पता नहीं है कि हम लोगों ने उसके लिए कुछ गिफ्ट लिया है और हम उसे सरप्राइज देने वाले थे। तो यहाँ पे उसका गिफ्ट रहा, तो चलिए फिर उसे सरप्राइज ले उठाते हैं ना। लेट्स गो। अरे रुक, आर यू जस्ट वेक अप? यस। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हैप्पी बर्थडे अभी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। We didn't get any gift there.
So, सबसे पहले मैं यहाँ पे खीर से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने दूध को गाढ़ा होने के लिए रख दिया है और जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो उसमें राइस ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने आलू को भी बॉईल करने के लिए रख दिया है। मैं यहाँ पे वेज बर्गर बना रही हूँ, अभी को बहुत अच्छा लगता है तो वही आलू को मैंने बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा पीस डाल दिया है, अनियन डाल दिया है, नमक डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से हम लोग मैश करके एक साथ मिक्स करेंगे और इससे छोटा छोटा जो है टिक्की बनाएंगे। एक बार ये वाला जो रेसिपी है एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। इसे आप सैंडविच के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गोल गोल टिक्की बना रही हूँ और बहुत हेल्दी वाला ऑप्शन है, बहुत टेस्टी भी लगता है। तो बस इसे टिक्की की तरह मैं बना रही हूँ और इसे हल्के से ऑयल से हमें फ्राई कर लेना है। ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है, अब हम इसे अलग से प्लेट पे निकाल लेंगे और बर्गर हम बनाएंगे। तो मैं ये बर्गर के लिए ये बन लेके आई हूँ और इसमें मैं जस्ट सिंपल ही बना रही हूँ। इसमें मैं केचप ऐड कर रही हूँ और सॉस को हमें अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है। फिर हम लोग जो पैटीज बनाए हैं वो इसमें डालेंगे और इसमें थोड़ा सा कुकुम्बर डालेंगे, थोड़ा सा अनियन डालेंगे और टमाटो अगर अच्छा लगता है तो आप टमाटो ऐड कीजिएगा और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये साथ में बच्चों को ना चीज़ अगर डालो इसमें तो बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली मेरे बच्चों को चीज़ डालने से उनको बहुत यम्मी लगता है कोई भी खाना। तो थोड़ा सा मैं चीज़ डालती हूँ और यहाँ पे मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ और बन को मैं पहले ही थोड़ा सा सेक ली थी। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा आप बटर डाल के भी थोड़ा सा सेक लोगे तो इससे जो चीज़ है ना बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट होके आता है और बहुत यम्मी लगता है। बट मैंने यहाँ पे बटर दे के अलग से सेका नहीं है। तो अब बच्चों को तो बहुत अच्छा लगा, अभी को भी बहुत टेस्टी लगा और हमारे छोटे महाशय जो अनिरुद्ध है उसे भी बहुत अच्छा लगा। ऐसा ब्रेकफास्ट हो तो ब्रेकफास्ट करने के लिए बोलना नहीं पड़ता, फटाफट वो लोग फिनिश कर डालते हैं। तो सुबह को तो एक जो ब्रेकफास्ट का जो काम है बिल्कुल फिनिश हो गया। अब हम मुझे जो है नेक्स्ट काम की तरफ जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट काम है वो है मुझे लंच बनाना। लंच तो नहीं, लंच तो मुझे बच्चों का पिज़्ज़ा पार्टी हो जाएगा, बट ये है डिनर बनाना। तो डिनर के लिए मैं पनीर बना रही हूँ। बच्चों को पनीर खाना था और मैं इसे बस क्यूब करके डाल दे रही हूँ। मसाला बनाना है, मसाला बना के मैं इसे ऐड कर दूँगी। अगर आपको पनीर की रेसिपी देखना है तो मेरे प्रीवियस ब्लॉग में आप देख सकते हो। तो जल्दी जल्दी झटपट मैं काम फिनिश कर रही हूँ और बच्चे भी आ जाएंगे तो झटपट 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 करके काम जितना हो सके जल्दी जल्दी फिनिश कर रही हूँ। तो ये रहा मेरा जो पनीर का करी है ना, रेडी हो गया है। मैं आज आप लोगों के साथ रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। तो मैं फ्राइड राइस भी बनाई थी और इसके साथ जो खीर है, खीर भी बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो गया है, बहुत यम्मी खीर बना था। तो खीर रेडी हो गया है। यूजुअली हम लोग भगवान को भोग लगा के फिर बच्चों को देते हैं। और ये जो पास्ता है, पास्ता भी मैं बॉईल करने के लिए रख दी हूँ। झटपट बस पास्ता मुझे बना के निकाल लेना है
और फ्राइज़ भी मैं निकाली हूँ, इसे मैं एयर फ्रायर में डाल के गरम कर लूँगी। और फिर ये जो केक है ना, मेरी फ्रेंड ने बना के दिया है, मैंने उसे बनाने के लिए दिया था। बहुत यम्मी वो केक बनाती है, अगर आप भी चाहते हो तो आप भी वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। ये चॉकलेट केक है और उसने बड़े ही प्यार से, बहुत ही मन से, बहुत ही यम्मी एगलेस केक बना के रेडी किया है। क्योंकि सावन है ना तो हम लोग एग नहीं खाते हैं, तो मैंने एगलेस केक का ऑर्डर दिया था और जो केक है बहुत यम्मी रेडी हो गया है। और बस सब कुछ रेडी हो गया है, पिज़्ज़ा भी उज्जवल लेके आए हैं, प्लेट, जूस, फिर चिप्स वगैरह सब कुछ मैंने जो है ऑर्डर करके रख दिया है। और इनका जो है डोमिनोज पिज़्ज़ा ऑल टाइम फेवरेट है, तो अब बच्चे तो बिल्कुल ही खुश हो गए हैं और अनिरुद्ध भी सुपर एक्साइटेड है अभी के फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि उसे बहुत अच्छा मज़ा आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा फोटो सेशन चल रहा है बच्चों का, क्योंकि ये मेमोरीज है, बाद में देखने से बहुत अच्छा लगता है। घर बिल्कुल क्लीन हो चुका है, जितना हो सका है सिंपल डेकोरेशन हम लोगों ने किया है, तो बस फोटो सेशन चल रहा है और कुछ ही मोमेंट में बच्चे आ जाएंगे। यहाँ पे अभी के फ्रेंड आ गए और उनका थोड़ा सा गेम वेम चल रहा है, कुछ कुछ खेल रहे हैं मोनोपोली। तो उसके बाद हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हम, हैप्पी बर्थडे टू यू, आर यू वन आर यू टू, आर यू थ्री, आर यू फोर, आर यू फाइव, आर यू सिक्स, आर यू सेवन, आर यू एट, आर यू नाइन, आर यू टेन, आर यू इलेवन। ये चल कट कर भाई के खावा, कट करो भाई के खावा। अरे दादा के खावा। सो अभी वो लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा म्यूजिकल चेयर खेलते हैं, और बिलीव कीजिए वो लोगों ने बहुत इंजॉय किया। तो बहुत ही मजा मस्ती, फ्रीजिंग डांस, म्यूजिकल चेयर जैसे गेम हम लोगों ने खेला और उन लोगों ने बहुत मजा मस्ती किया।
सो इस तरीके से गेम तो हो गया, बस खाना भी लंच का रेडी हो गया है, पिज़्ज़ा, पास्ता, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, और बच्चे खूब इंजॉय करके खाए और बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, वो लोग थक गए थे तो मैंने बोला कि लंच कर लो, उसके बाद फिर आप लोग आराम से जो भी है मूवी देखना ये या तो कुछ अगर गेम खेलना है तो आप लोग खेल सकते हो। साथ में डेजर्ट के लिए मैंने यहाँ पे खीर रखा था, केक तो उन लोगों ने गेम खेलने से पहले ही खा लिया था, तो साथ में एंड में जब वो लोग मूवी देख रहे थे तो हम लोगों ने यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम मंगवाया था और कप से, तो इन लोगों को कैरी करना और खाना भी इजी पड़ रहा था, तो बच्चे अभी मूवी देख रहे हैं और आइसक्रीम खा रहे हैं, उन लोगों तो बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आया, मस्ती आया बच्चों का ये सिंपल सा जो है बर्थडे सेलिब्रेट करके, क्योंकि अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मेमोरीज ही रहती हैं, और अभी को हम लोगों ने ये वाला गिफ्ट दिया है हेडफोन और यहाँ पे माउस जो कि अभी उसको नेक्स्ट ईयर में काम आने वाला है, साथ में एक गेम भी दिया है जो कि अभी हफ्ता में एक बार खेलता है, तो उसके लिए हर साल में मैं एक ही बार उस पर एक गेम का सीडी खरीद देती हूँ, तो उसके लिए एक गेम भी मैंने यहाँ पे गेम का सीडी भी दिया है गिफ्ट करके, तो बस ऐसा ही Did you like? Yes, I liked it a lot. सो फाइनली हमारा जो पार्टी था बर्थडे पार्टी था अच्छी तरीके से पार हो गया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं शाम को मंदिर। हम बंगालियों के घर में बर्थडे के दिन एक तो खीर बनता है जिसे कहते हैं पायस, और हम लोग मंदिर जरूर जाते हैं इसे, तो आज भी हम लोग जा रहे हैं मंदिर जा रहे हैं, और जो बर्थडे पार्टी है बहुत अच्छी तरीके से पार हुआ, सुबह से लेके शाम तक जो भी मेहनत थी तभी सक्सेसफुल होते हैं जब बच्चे खुशी खुशी घर जाते हैं और बहुत इंजॉय करके जाते हैं, तो उन्होंने बहुत ही इंजॉय करके गए, उन लोगों को जाने का मन ही नहीं हो रहा था, इतना उन लोगों ने मजा मस्ती किया, और ये देख के तो बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है। तो और अभी को भी हम लोग का जो गिफ्ट है सरप्राइज गिफ्ट है बहुत अच्छा लगा, शुरू में तो उसको लग रहा था हम लोगों ने कुछ भी उसके लिए बाय नहीं किया है, हम लोग जस्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हम लोगों ने कुछ भी उसके लिए बर्थडे गिफ्ट नहीं लिया है, तो वो बार बार हम लोगों को याद दिला रहा था कि आपने लिया है क्या, हम लोग बोल रहे थे कि लास्ट मोमेंट तक मिलेगा ज़रूर, बट आज सुबह को जब हम लोगों ने बर्थडे गिफ्ट दिया उसे बहुत अच्छा लगा, और जो केक है एगलेस केक है बहुत अच्छा है, लाइक बहुत टेस्टी है, हम लोगों ने यहाँ पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है केक, बट उतना अच्छा सेटिस्फाइड नहीं मिला है, बट मेरी एक फ्रेंड है जो कि ये केक बनाती है, बहुत यमी केक बनाती है, तो अगर आप न्यू जर्सी एरिया में रहते हो आपको अगर अच्छा लग रहा है ये केक देख के तो आप मुझसे पूछ सकते हो, बहुत ही अच्छा केक है, मैं रिकमेंड करूँ, बहुत बहुत यमी केक है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम लोग एक दुर्गा टेम्पल है यहाँ पे, वहीं पे जा रहे हैं, और फिर शाम को तो बच्चे खेलेंगे, इसीलिए हम लोगों ने आफ्टरनून में रखा बर्थडे पार्टी, स्विमिंग भी अनिरुद्ध का स्विमिंग क्लास रहता है डेली, वो स्विमिंग क्लास जाता है, और फिर शाम को मंदिर भी जाना था, तो हम लोगों ने इसीलिए शाम को बर्थडे पार्टी नहीं रखा, आफ्टरनून में ही रखा, क्योंकि अभी समर वेकेशन भी चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब ने बहुत इंजॉय किया। तो बस अभी हम जा रहे हैं, और खाना भी बहुत कुछ बचा हुआ है, पिज़्ज़ा भी है, पास्ता भी है, और पनीर की सब्जी जो मैंने सुबह को बनाया था वो भी रखा ही हुआ है, तो आज खाने से छुट्टी मिल गई है, रात को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नान है, नान अगर कोई चाहे तो गर्म करके खा सकते हैं पनीर के साथ। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं, होप करती हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, यही हमारा सिंपल सा फैमिली एक बर्थडे सेलिब्रेशन था जो कि हम लोगों ने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया, होप करती हूँ कि आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, तो अगर एंजॉय किया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा जिससे मुझे आपके कमेंट को देख के वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए, और अपना खूब सारा ध्यान रखिए, बाय बाय।